गाइस, और मैं आज मैंने खाने की कोई रेसिपी नहीं डाली और खाना खाते हुए भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उस टाइम नहाकर आई थी। नहाने के बाद मुझे ना भूख लग रही थी, इस वजह से मैं खाना खाने बैठ गई थी। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी उस टाइम की, बट हाँ, खाने में मैंने बैंगन आलू और रोटी बनाई थी, तो वही बनाया था और फिर वो खा लिया था। और उस टाइम मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। फिर मैंने कपड़े धोए थे आज, तो इसलिए आज वीरवार है। आज के दिन वैसे कपड़े नहीं धोते हैं, बट ये है ना कि अभी सफ़ेदी होगी शायद, आज रात को होगी या फिर पता नहीं। अभी आज मैंने बोला है आज करवा लो, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। सफाई वगैरह करूँगी तो टाइम भी लगेगा मुझे, और भी काम होंगे, तो इसीलिए मैंने आज ही की बोली। बाकी देखते हैं, आज होगी तो आपको आज दिख ही जाएगा ब्लॉग में मेरे तो। और फिर मैंने खाना मतलब 1 बजे मम्मी के साथ ही खा लिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब कि फिर गली में सूट वाला आया था, हमने सूट वूट देखे थे बट लेने तो नहीं थे। मुझे ले भी लेती तो महंगे बहुत ज़्यादा थे, 300 रुपीज़ का वो सूट और सलवार का कपड़ा दे रहा था, जो कि मुझे बस खाली सूट चाहिए थे, क्योंकि मैं सलवार अलग से सिलती हूँ। सेम दोनों में एक चीज़ नहीं सिलती, दोनों एक ही मतलब सेम नहीं सिलती, इस वजह से तो मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर दिया। इसलिए फिर भाभी वगैरह ने देखा, वो बहुत ज़्यादा महंगा लगा रहा था, मतलब कहते हैं ना वो अपनी ज़िद पे था और हम अपनी ज़िद पे थे, तो उसने कम नहीं किया, हमने लिए ही नहीं। फिर इस वजह से शायद नेक्स्ट टाइम वो आएगा, इतना तो है। तो सूट वगैरह देखे थे 2 बजे करीब, उसके बाद फिर मैं ऊपर मतलब फिर मैं सो गई थी। फिर सोने के बाद मैं 5:30 बजे उठी हूँ, फिर 5:30 बजे उठ के मैंने मतलब बेड कंबल वगैरह ओढ़ के सो रही थी, तो वो मैंने तय वगैरह करके रखा, घर में झाड़ू वगैरह लगाई। तो अब बज रहे हैं 6:10 हो रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। मैंने चाय बनाने रख दी है, तो अब चाय पीऊँगी, उसके बाद घर का काम करूँगी, उसके बाद पापा आएंगे, फिर पता चलेगा कि करना क्या है, मतलब सफ़ेदी कब स्टार्ट कैसे करनी है वो आगे बताएंगे। अभी तक आए नहीं है, बोल के तो गए थे जल्दी आने के, बट अभी तक नहीं आए हैं। देखते हैं कब आएंगे और कब स्टार्ट होगा। बाकी इतना अगर उन्होंने नहीं किया ना, तो मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूँगी, उन्हीं की वजह से मैं रुकी हुई थी। बट वो अगर आज नहीं करेंगे तो मैं सोच रही हूँ आज ही अपने थोड़ा बहुत काम कम्प्लीट कर लूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं रुकी हुई हूँ इसलिए। और अभी बाकी 6 बज गए हैं और मेरी चाय भी पक चुकी है, मैंने बहुत देर की बनाने रखी हुई थी चाय, तो दिखाती हूँ आपको। तो मेरी चाय पक चुकी है, दिख ही रहा होगा आपको, तो मेरी चाय पक चुकी है, अब चाय वगैरह पियेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो चाय बन चुकी है, ये रही चाय, तो चाय के साथ है नमकीन, तो आप सब भी खा लीजिए और चाय पी लीजिए। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। रात के शायद 9:30 हो रहे थे और मैं लगा रही थी बालों में ऑयल, क्योंकि पापा कर रहे थे सफ़ेदी, मेरा तो कोई काम ही नहीं, तो मैं बैठी हुई थी, तो इसी वजह से मैं बालों में तेल ही लगा लेती हूँ। मैंने कहा सोचा तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ड्राई हो रहे थे। बालों को कहते हैं तेल मिलना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं अपने बालों में तेल ही लगा रही थी बैठे बैठे, मैंने कहा तेल लगा लेती हूँ। तो मैं अपने मतलब ये नीचे की जो होती है ना, नीचे ज़्यादा सूखे होते हैं बाल, नीचे की पूँछ जो होती है पुंछड़ी बोलते हैं जिसे, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उनको कुछ अच्छे से और हमेशा कहते हैं, और जैसे अभी मैंने सर नीचे करके डाला था ना, उस तरह से हमेशा डालना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सर का जो ब्लड होता है ना, जो वो फिर कहते हैं ऊपर नीचे हो जाता है इससे, ऐसे करने से सर भी धोते हैं, तो हमेशा सर नीचे मुंडी करके धोने चाहिए, उससे मतलब कि खून की रफ्तार बढ़ जाती है। तो मैंने डाल लिया था तेल, तो हमारे यहाँ पेंटिंग शुरू हो गई और ये हमारे सफेदी वाले पापा अपना ग्रुप दिया कैमरे, तो ये देखो पापा सफेदी कर रहे हैं, हमारे यहाँ सफेदी स्टार्ट हो गई है। तो सुबह आपको इसका वो मिलेगा कि किस तरह की हुई है लास्ट रिजल्ट। तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारी सफेदी होना, और अभी घर की हालत कुछ इस तरह से हो गई है, दिख रहा होगा आप सभी को, देखो। तो कुछ इस तरह से हो गया, बाहर सारा सामान पड़ा है, आपको दिख ही रहा होगा सारा सामान पड़ा है, गद्दे वद्दे सब निकाल के पड़े हैं बाहर वाले कमरे में, और अंदर ऐसा हो रहा है कुछ सफ़ेदी अभी हो रही है। तो अब जब हो जाए मतलब कि अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे, जब थोड़ा आधा बहुत हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट किया है बस खाली, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।
गाइस लगभग सफ़ेद ही हो गई है हमारे घर में, ये वाली दीवार भी हो गई है और ये वाली दीवार भी हो गई है और ये भी हो गई, बस ये कॉर्नर रह गया है, ये आपको दिख रहा होगा गेट के अंदर मंदिर से और ये बर्तन के रैक तक, बस यहाँ तक ये रह गया है और लगभग हो चुका है, देखो सब हो गया है, बस वही वाला जो कॉर्नर दिख रहा है आपको वहाँ की तरफ का वही रह गया, बाकी सब जगह हो गया, ऊपर छत भी हो गई है, ये भी पूरा घर में हो गया है, बस वहाँ का कॉर्नर रह गया है थोड़ा सा, बस वही होएगा और बाहर वाले कमरे में नहीं करेंगे, अंदर वाले कमरे में ही करेंगे। तो अब और चाय बन रही है और टाइम दिखाती हूँ मैं आपको क्या टाइम हो गया हमें, देखो 11:05 हो रही है और चाय बन रही है, तो अब ये कमरा करके फिर चाय पियेंगे, उसके बाद देख फिर अपना सामान सब सारा सामान सेटिंग से लगाएंगे, देखो सारा सामान कैसे फैला हुआ है, सब फैल रखा है, कुछ इधर कुछ उधर, देखो सब सब फैला हुआ है, ये सारा सामान, तो ये सारा सामान फैला हुआ है, तो ये लगाएंगे अभी, पहले सफ़ेदी हो जाए उसके बाद इसको लगाएंगे, और अब चाय बन चुकी है, चाय पियेंगे उसके बाद फिर देखते क्या से क्या करना है, तो उसके बाद अब जब सब हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी कंप्लीट, तब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, लगभग मतलब सफ़ेदी हो गई है बट अभी सामान सेट नहीं किया, सब ऐसे ही पड़ा है इधर उधर, सब थोड़ा बहुत इधर उधर सब पड़ा है सामान, और अब रात के बज चुके हैं 2:05 है, 1:55 हो रहा है, देख लो आप, दिखाती हूँ, तो 1:55 हो गया, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद आप सो जाऊँगी, बाकी का काम सुबह होएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और अगर आप सभी को आज का मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे, जय गुरु जी।